कोयल, वो इस यार्ड में अपने आप को पार्क किया हुआ है। आ रही हूँ, क्या बात है, आज तो आपकी शाम दोपहर में ही हो गई, बड़ी जल्दी घर आ गए। हाँ मयूरी, मैं जल्दी आ गया क्योंकि एक सैड न्यूज है, फुल सैड, मतलब फुल स्टॉप। क्या बोल रहे हो, इसका मतलब मयूरी को अब दुखी डांस करना पड़ेगा? मयूरी मैं गया, डॉट 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 डॉट। लेकिन तुम तो यही मयूरी के सामने हो, तुम कैसे जा सकते हो, बोलो ना। बोलते क्यों नहीं, चुपचाप खड़े क्यों हो, बोलो। अरे बोलो ना, बोलोगे कि नहीं? बहुत अच्छी मयूरी कौमा, तुम मूर्ति की तरह नाचती हो मयूरी कौमा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। ये नहीं, मैं गया ऐसा क्यों कहा, ये बोलो। ओह मयूरी, मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा, क्लोज ब्रैकेट, बंद। क्या प्रमोशन मिल रहा है? हाँ लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है कोयल, जहाँ दो दिन में एक ट्रेन आती है वहाँ तबादला हुआ है मेरा। क्या? हाँ कोयल, पोस्ट बढ़ी, सैलरी भी बढ़ी, लेकिन ना तो वहाँ हावड़ा देखने मिलेगी और ना ही राजधानी। अब ऐसी पोस्ट और सैलरी का क्या फायदा? सैलरी नहीं मिली तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, क्वेश्चन मार्क। अरे बाबूजी को क्या बताऊंगा, क्वेश्चन मार्क पे एक और क्वेश्चन मार्क। मयूरी के बाबूजी तो बहुत दुखी होंगे। मैं किसी को दुखी नहीं होने दूंगा कोयल, अब ना हावड़ा छूटेगी और ना राजधानी। मैं अभी जाकर बनारस के मेन ऑफिसर से बात करता हूँ और ये तबादला रुकवाता हूँ। रुको रुको, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मयूरी मैं ट्रस्टीज के पास जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलकर क्या करोगी? व्हाट 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 व्हाट? पिछले महीने का मुहावरा याद है, एक से भले दो, काम जल्दी हो करे, तो सोच कह रहे हो, चलो जल्दी चलो। कोयल भाभी, मयूरी भाभी, हमने छत साफ कर दिए, एक भी कतरा नहीं बचा। भाभी भाभी, बाऊजी घर पे तो कोई नहीं है, हम अकेले हो गए। पर हम अकेले कहाँ हैं, हमारी सिक्योरिटी तो हमारे साथ में है ना भैया। तो पहाड़ भैया, खड़क भैया, आइए हमारे साथ बैठिए। सर क्या कर रहे हो? पहाड़ सिंह जी, खड़क सिंह जी, अब जाइए, आज आपकी छुट्टी शाम तक। थैंक यू सर। अब हम करेंगे मेंढक की सुरक्षा। सर इसने तो हमें पूरी तरह निचोड़ डाला है। हाँ हाँ ठीक है, जाइए। भैया आपके डंडे। भैया आपकी सुरक्षा कर रहे हैं बेटे, कहीं आप पर कोई अटैक ना हो जाए, गोली ना चले, इसलिए घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रहा हूं। अच्छा मेंढक बेटा, मैं अब सो रहा हूं, कोई आया तो मुझे जगा देना।
ये आए तो हैं, तो क्या हमें आपको जगाने के लिए आपके सोने का इंतजार करना पड़ेगा? हाँ हाँ बेटा, जो सोए हुए होते हैं उन्हीं को तो जगाया जाता है। गुड नाइट। इंस्पेक्टर वाले भैया, अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है, तो आप हमें गुड नाइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा होने वाला है। डर नहीं लगता हमें यहाँ देखकर? हमें किसी से डर नहीं लगता। और हाँ, आप तो हमें निगल भी नहीं सकते, क्योंकि हम 80 किलो के 80। पता नहीं किस मिट्टी का बना है ये? ये तो हमारे बाबूजी को पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाबूजी को सब पता है। जिस किसी भी मिट्टी का बना है दिमाग से कम बना है, सुपर बेवकूफ है। हाँ, हमारे बाबूजी भी ना हमें बेवकूफ कहते। इसमें भी खुश हो रहा है, ऐसा बेवकूफ आज तक नहीं देखा। खैर, गवाही देगा? जरूर देंगे। अच्छा, तो तुमने उस दिन एक्सीडेंट करते हुए किसको देखा? किसको देखा? हाँ, यही वाले भैया थे जो गाड़ी चला रहे थे। यही गाड़ी चला रहे थे ना? नहीं, याले भैया गाड़ी नहीं चला रहे थे। अच्छा, वो गाड़ी चला रहे थे? हाँ हाँ, वही वाले भैया थे जो ऐसे 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 गाड़ी चला रहे थे ना, वो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वहाँ तो कोई था ही नहीं, तो तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। नहीं, वहाँ थे वो दोनों। वो रे, उधर देखो। वहाँ तो कोई है ही नहीं। हमें तो दोनों दिखाई दे रहे, पर आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहे? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है मेढक बेटे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ना सुपर केमिकल गड़बड़ हो गई है। वो क्या होता है? रासायनिक गड़बड़, एक बड़ी गड़बड़। ये गड़बड़ दूर कैसे होगी? वो तू क्या कह रहा था, ये जो सुनता है वही करता है। जी भाई साहब। अब देख ये क्या सुनेगा और क्या करेगा। तेरी गड़बड़ एक ही तरीके से दूर हो सकती है, अगर तू पानी के अंदर 2 घंटे बैठा रहे तो। ठीक है, तो हम ये गड़बड़ अभी दूर कर देंगे। पहली बार में गया हूँ ना गोल बाजार सब्जी लेने, मुझे अगर मेरे दोस्तों को पता चलेगा तो मेरी टेंशन टाइट हो जाएगी बाबूजी। अरियो अरियो, किस बात से टेंशन टाइट हो जाएगी बेटा? क्योंकि तू घर का काम कर रहा है? घर का काम करने में कैसी शर्मिंदगी बेटा। अरे बाजार जाओगे तभी तो पता चलेगा किस चीज का क्या भाव है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, कौन सी सब्जी किस भाव आ रही है, रुपया कितना गिर रहा है, प्याज का दाम कितना बढ़ रहा है बेटा, तभी तो पता चलेगा कि आम आदमी चक्की के 2 पार्टों में पिसते अनाज की तरह हो गया है। दोस्तों को पता चलेगा तो टेंशन टाइट हो जाए। चल
भाभी, घर में इतना सन्नाटा क्यों है? अरे हाँ, कहाँ गए सब लोग? पता नहीं बाबूजी। कोयल, मयूरी बेटा, बेटा कहाँ हो सब लोग? यस, आके इस कपी से ये थैलियाँ तो ले लो बेटा। बाबूजी बताइए। नागिन। जी बाबूजी। कहाँ से बोल रही बेटा? आपके पीछे। तू वहाँ कब पहुँच गया बेटा? मैं तो वहीं से आ रहा हूँ। कहीं बाहर गई थी तू? अरे बाबूजी, वो है ना चोपड़ा आंटी, उन्होंने मोहल्ले की सारी औरतों को पापड़ बनाने के लिए बुलाया था, वहीं गई थी। अच्छा, क्या पापड़ बनाने की फैक्ट्री खोल रहे हैं वो लोग? मुझे क्या पता। लो ये देख लो, ड्यूटी करने वाले घोड़े बेच के सो रहे हैं। भाई साहब, मेरे कहा मेंढक? अरे बाबूजी, आमद कीजिए टेंशन टाइट, वो अभी मिल जाएगा। ऑलराइट। मेंढक, 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 मेंढो। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब उठिए। भाई साहब कहाँ हैं वो आपके खड़क सिंह, पहाड़ सिंह? उन दोनों को मैंने छुट्टी दी है आज, आधे दिन की छुट्टी। क्या है ना कि काम करके वो थक गए थे बेचारे, इसलिए मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं आप सोकर। मेंढक कहाँ है? मेंढक? हाँ, उसे बताकर ही तो मैं सोया था, यहाँ पे होगा यहीं कहीं। अरे ओ, अरे ओ, अरे ओ। बेटा अच्छा वो तू आ गया। मेंढक कहाँ है? घर में ही होगा बाबूजी, जाएगा कहाँ? हाँ। मेंढक, 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 अभी घूमू कहीं के? मेंढक कहाँ है? कहाँ है मतलब? किचन में होगा भैया, या तखत के नीचे सो रहा होगा। टॉप डॉट, टॉप डॉट। नहीं है। रुक जाओ, मयूरी पूरे घर में ढूंढ कर आती है। भाभी घर में दिख ही नहीं रहा वो। क्या? हाँ बेटा एक बात बताओ, तुम सब लोग मेंढक को अकेला छोड़ के चले कहाँ गए थे? बाबूजी इनका तबादला हो गया है चंडाला में, इसीलिए बनारस के बड़े ऑफिसर से मिलने गए थे बाबूजी। और हम ना ये सारी डिटेल्स बाद में बताना, सबसे पहले मेंढक को ढूंढो, पता नहीं कहाँ चला गया वो। ढूंढते बाबूजी, ढूंढते। मेंढक, 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 मेंढक। बाबूजी, हरि ओम, हरि ओम। मेंढक, 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 मेंढक। ए मेंढक, मेंढक। बेटा, बेटा सब लोग मेंढक मेंढक मत चिल्लाओ, इस बेचारे को बाहर तो निकालो। हाँ, चलो चलो। मेंढक, मेंढक, आजा मेंढक। कभी हाथ देना। जबरा बंदर। बेटा, बेटा तू बता, तू ठीक है ना बेटा? तू पानी के अंदर क्या कर रहा था? बाबूजी हमारे दिमाग में जो है ना केमिकल गड़बड़, हम उसे दूर कर रहे थे। केमिकल गड़बड़ है? ये फालतू की बातें कौन तेरे दिमाग में डालता है? बाबूजी बड़ी गाड़ी वाले अंकल ने कहा था। बड़ी गाड़ी वाले? इधर आओ। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कौन आया था? कोई भी तो नहीं। बाबूजी ये झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट, हम बताते हैं बाबूजी, जब हम पहाड़ भैया खड़क भैया छत साफ करके नीचे आ रहे थे ना, तो
हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ना सुपर केमिकल गड़बड़ हो गई है। तेरी गड़बड़ एक ही तरीके से दूर हो सकती है, अगर तू पानी के अंदर 2 घंटे बैठा रहे तो। और इसीलिए हम हौद में जाके बैठ गए। बाबूजी, अब हमारे दिमाग की केमिकल गड़बड़ ठीक हो गई ना? बेटा, बेटा तेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, बेटा बिल्कुल ठीक है। दिमाग में तो इनके गड़बड़ है, बल्कि इनके दिल में चोर है। मेरा मेंढू तो बिल्कुल अच्छा है, एकदम ठीक है। देखिए बाबूजी, ये जो कुछ भी बोल रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसने मुझे कहा कि मैं नहाने जा रहा हूं, तो मैंने सोचा कि बाथरूम में गया होगा। मुझे क्या पता था कि हौद में जाके बैठेगा। और ये जो बोल रहा है ना, लंबी गाड़ी, धनवान परिवार की बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई भी नहीं आया था यहां। मुझे तो लगता है कि इसके दिमाग में ही गड़बड़ है। बस अपने झूठ की टोकरी हमारे भोले भाले बच्चे के सर पर फोड़ने की कोशिश मत कीजिए आप। अब समझ में आया माया मेम साहब, उन 2 हवालदारों को यहां से क्यों भेज दिया आपने? आपने एक भोले भाले बच्चे की पानी में डुबोकर जान लेने की कोशिश की है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, बिना सबूत के आप मुझ पर उंगली नहीं उठा सकते। इंस्पेक्टर साहब, सबूत भी मिल जाएंगे और कई सवाल भी उठेंगे। क्वेश्चन मार्क। और हाँ, चुपचाप चिड़ियाघर के बाहर चले जाइए, वरना मयूरी एग्जिट डांस करके निकालेगी। लेकिन मेंढक की सुरक्षा के लिए कल तक आपके इंस्पेक्टर राणा को हमारी तरफ से एप्लीकेशन पहुंच जाएगी। आपके जैसे घटिया और करप्ट पुलिस वालों की चिड़ियाघर में जरूरत नहीं है। और जाइए, कह दीजिए मिस्टर धनवान से कि वो अब और नहीं कर पाएंगे हमारी टेंशन टाइट, क्योंकि अब चिड़ियाघर परिवार खुद लड़ेगा अपनी फाइट। गेट लॉस्ट। समझ नहीं आया बेटा, ये बोल रहा है जाइए। छोटे पर पानी डाला था मेंढक ने, और मैंने उसे पूरा पानी में ही बिठा दिया। बड़े भैया, इस बार तीर सीधे निशाने पर लगा है। 2 दिन मेंढक होगा हॉस्पिटल में, और कल उसकी पहली पेशी नहीं होगी, और मिलेगी तारीख, और अगली तारीख के पहले तो सारा मामला साफ कर देंगे आप। मानना पड़ेगा बड़े भैया, वो मेंढक भी दूर हो गया और कानून के हिसाब से आप पर शक भी नहीं होगा। बस कल का दिन संभालना होगा। बिल्कुल। आओ माया, आओ। देख लो। ये तुमने बहुत ही सुपर काम किया इंस्पेक्टर माया। बस आज रात तक मुझे ये बता देना कि वो लोग सोच क्या रहे हैं। इसके आगे मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है माया। अभी अभी तो मैंने तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे दिए हैं। नहीं नहीं सूरज जी, आपको गलतफहमी हो रही। उस मेंढक को कुछ नहीं हुआ। बुढ़ा आ गया और उसने मेंढक को पानी में से बाहर निकाल दिया, इसलिए कल मेंढक गवाही देगा ही देगा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.